उस किले के पास जाना है। तो यहाँ पे लाला भाई अपना दिमाग लगाते हुए तो हम लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं। लाला भाई की मेहनत और भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपको हम लोग दिखाएंगे पूरा किला और संगम बोट में से। तो आप लोग गेस कर ही सकते हैं किसके साथ हम जाएंगे, वन एंड ओनली लाला भाई। हेलो गाइस, तो आज हम आप सब लोग को किला दिखाएंगे और नाव पे कंटिन्यू बने रहेंगे। तो आज जो हमारे सारथी हैं साथ के हैं धर्मेंद्र निषाद भैया, भैया एक बार हाय बोल दो। तो हम लोग को अभी उधर जाना है, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, उस किले के पास जाना है। तो हम लोग अभी काफ़ी धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है स्टीमर जो होता है, मोटर इंजन वाली बोट होती है। भैया का भी है मोटर इंजन वाली बोट, बट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो हवा काफ़ी तेज है, एक्चुअली नाव में भी टैक्सी होता है, इस पार पीछे से अगर उस पार लेके जाए 500 रुपया है पर सवारी का, 3-4 हज़ार नाव। भैया बता रहे हैं इधर में पूरा त्रिवेणी संगम में इस गंगा नदी पे 3-4 हज़ार नाव चलती है। आप लोग देख सकते हैं काफी नाव खड़ी है इधर में, ये संगम के अपोजिट में हम लोग, फिर भी इतनी नाव खड़ी है, बस संगम में तो 2000 से ज्यादा होंगे। सब इतने सारे नाव खड़े हैं इधर में। मजे भाई। हाँ भैया, आज तो आप डर रहे हैं। हाँ यार डरे, पूरा लाइफ जैकेट तभी तो पहने हैं। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ पहन लिए आज? नहीं, आज डर रहे थे, सही में डर रहे। तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो बच जाएंगे। और क्या, बच जाएंगे, नहीं तो भैया है हमने वो बचा लेंगे। अच्छा, और क्या? नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट ही है ना, सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा के लिए, बाकी तुम तो हो ही, तुम तो बचा ही लोगे। लेकिन आज तुम हम डरवा के पहना दिए हो। आप लोग पीछे से देख सकते हैं, दूर में दिखाई दे रहा होगा, न्यू यमुना ब्रिज है। तो पानी उस साइड से आ रहा है, तो पानी का फ्लो इस साइड है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग को ज्यादा लेट लग रहा है, बट हवा का डायरेक्शन इस साइड में। आप लोग देख सकते हैं नाव काफी ज्यादा हिल रही है, लहर काफी तेज है, नाव काफी तेज हिल रही है। तुमको डर नहीं लग रहा है? बड़ी तेज नाव हिल रही है, जाएगा नीचे से पता ही निकल जाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट तो है, बुलेट प्रूफ या वाटर प्रूफ? अरे दोनों, मतलब वही बचाव के लिए बुलेट प्रूफ रहा था, वाटर प्रूफ बचाव के लिए वो गोली से ही पानी से तो वही वही बात है। लेकिन इधर में कौन सा गोली चल रहा है? अरे पानी गोली तो खतरनाक, मतलब डूब जाओ तो फिर राम ना सर। हां गोली तो बचू ना, गोली एक बार जो है फंस बचू जाओ बचाओ ले भैया बोल रहे ये सब ना बोलो लाला भाई, वरना कोई आएगा भी नहीं इधर। हम लोग लहर देख सकते हैं काफी तेज है, इधर काफी तेज लहर है। यहाँ पे लाला भाई भी भैया का साथ देते हुए, लाला भाई पुराने खिलाड़ी हैं नाव के। यार लाला भाई मजा आ रहा है भैया के साथ, अब नाव रफ्तार ले रही है। अरे बाप रे, हिल भी उतना ही तेज रही है बाप। इधर नाव नहीं आती है लेकिन हम लोग आए हैं आज इधर, लेकिन ब्लॉक के लिए कुछ भी। हाँ लाला भाई, ब्लॉक के लिए कुछ भी, चाहे नाव चलाओ चाहे स्टीयरिंग गाड़ी पकड़ ले। लेकिन आज ब्लॉक बनेगा, किला दिखाएंगे तो दिखाएगा। तो आप लोग देख सकते हो पीछे में, वो पीछे में किला है, इधर ही जाना है हम लोग को, ये किला में अकबर किला, अकबर फोर्ट। तो लाला भाई वीडियो के लिए तो नहीं चला रहे हो ना, झूठ मूठ का नहीं चला रहे यार, देखो खेर है पानी, देखो ये, देखो ये। लेकिन भैया जैसा नहीं कर पा रहे हो। अरे कर ले रहे हैं, ये देखो ये 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 इधर दिखाओ, ये देखो ये उठा के, अरे ये इसको दिखा, इसको ये ये भैया दिखा दो। हाँ सेम भैया जैसा तो कर रहे हो, खिलाड़ी हो यार तुम, प्लेयर हो, प्रो प्लेयर हो, रियल हीरो हो तुम। आधा घंटा हो गया, अभी भी हम लोग आधे रास्ते पहुंचे हैं, अभी भी काफी लंबा समय है तय करना। आप लोग देख सकते हैं जैसे ये नाव हिल रही है वैसे ही हमारी भी नाव हिल रही है, तो पानी का लहर काफी तेज है।
ना आप लोग देख सकते हैं नाव कितनी तेज हिल रही है उधर। तो यहाँ पे लाला भाई अपना दिमाग लगाते हुए और हवा का सही यूटिलाइज करते हुए ऊपर बांधेंगे और ऑटोमेटिक नाव चलेगी फिर। एक्चुअली भैया ने दिमाग दिया बट लाला भाई बांध रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग को धूप से थोड़ा राहत मिल गया, थोड़ा क्या काफी राहत मिल गया एक्चुअली। अब धूप नहीं लग रहा इससे और ऑटोमेटिक नाव भी चल रही है। तो ये जो दिख रहा है आपको ये मेन संगम घाट है, त्रिवेणी संगम घाट। आप लोग देख सकते हैं काफी भीड़ लगी हुई है इधर। आनंद लेते हुए। किस चीज का आनंद लेते हुए? बोट का आनंद लेते हुए। बोट का आनंद लेते हुए। लाला भाई और कितना टाइम लगेगा किला तक पहुंचने में? अरे जैसे कि हालीपुर में नहीं होता पानी में जाते हैं मगर मच्छ मिल जाता है, अजगर मिल जाता है। आज वही तो भाई चीज दिख रहा है बाबा, बिल्कुल यही सब कहा जो सुरक्षा कवच पहन लिया जाए। तो हम लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं, लाला भाई की मेहनत और भैया की मेहनत की वजह से काफी करीब पहुंच चुके हैं किला के पास। लाला की हालत खराब हो चुकी है इधर। आई डिवाइडर तक पहुंच जाएंगे बहुत है। तो किला के काफी करीब पहुंच गए, मंजिल के काफी करीब पहुंच गए। लाला भाई दो चार हाथ और मार दो, बस दो चार हाथ और। किला के पास जाने के लिए काफी हम लोग को मेहनत संघर्ष करना पड़ रहा है, डिवाइडर पकड़ पकड़ के जाना पड़ रहा है। एक्चुअली हवा काफी तेज है, बस बाबा आप लोग के पीछे ही है किला, थोड़ा और करीब बस थोड़ा सा। तो भाई साहब वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, इतना मेहनत, इतना गर्मी भी, अभी भी काफी तेज धूप निकला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं काफी तेज धूप निकला हुआ है अभी भी। अकबर द्वारा बनाए गए इस किले के अंदर हिंदुओं की आस्था से जुड़ी कई स्थान है। किले के अंदर धार्मिक अक्षयवट वृक्ष स्थित है, इसके साथ 44 देवी देवताओं। इससे आगे गए तो हमारी जिंदगी ब्लॉक में ही चली जाएगी। किला के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसीलिए हम लोग बाहर से दिखा रहे हैं। और इस साइड पानी के साइड से आप लोग देख सकते हैं, पानी के साइड से काफी अच्छा व्यू आता है। सूझबूझ से लेके जा रहे उधर डिवाइडर पकड़ पकड़ के, भैया बोल रहे एक आध नट ढीला होगा पलट जाओ। ओ भाई पीछे जो डिब्बे देख रहे हैं एक डिब्बा 5000 का है। तो यही अक्षयवट वृक्ष है जिसके नीचे सीता माँ ने दस। किले के आधे से अधिक हिस्से पर भारतीय सेना का नियंत्रण है। अपने घर की तरफ और पानी ही पानी जाएंगे, उड़ के नहीं जाएंगे। आप तिरपाल से लेकर चौपाल से लेकर जैकेट से लेकर नाव चलाने से लेकर सब कुछ करना पड़ा। 15 मिनट से गोल गोल इधर ही घूम रहे हैं। ये खबर लाही मर गए हमका लोग, ये गोल गोल घुमाए रहे हैं। देखा